क्रियात्मक समूह को जोड़ के बता दिए थे कि सिर्फ मूलक मूलक खत्म हुए। हाँ अच्छा, मूलक चालू करना है। अच्छा हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं, एन आईसो नियो के बारे में कुछ बात नहीं थी। अच्छा बाकी वाले मूलक रह गए, द्वितीयक अच्छा वो पांच वाला चल रहा है, इसका मतलब उससे पहले वाला कंप्लीट हो चुका है। पता ही नहीं, भाई आपका रिवीजन जो चल रहा है, मेरे तो हर बेचिस में अलग अलग चल रहा है ना। आयुपीएससी नाम से चालू करना, चलो आयुपीएससी से चालू करते हैं। चलो आयुपीएससी से पहले सजातीय श्रेणी की बात हो गई, चले सो आयुपीएससी पे आ जाता हूं मैं। क्या सजातीय श्रेणी नहीं हुई? पहले चलो सजातीय श्रेणी कर लेते। देखना सजातीय श्रेणी के लिए हमें सिर्फ चार पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो पांच है, बट वो पांच को आप चार पॉइंट के अंदर बोल सकते हो। कॉपी अपन कर लो, जस्ट रिकॉल होना चाहिए। सजातीय श्रेणी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि यहां पे क्रियात्मक समूह क्या रहेंगे, एक समान। अगर दो यौगिक लिए और दोनों में क्रियात्मक समूह समान है, तब आप एक बार के लिए सोच सकते हो कि हो सकता है वो सजातीय श्रेणी है। देखो सजातीय का मतलब क्या, स जाति एक जैसी जाति वाले, तो एटलीस्ट उनके क्रियात्मक समूह तो समान होने ही चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है, क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप क्या रहेंगे, समान रहेंगे। और हमें ये चीज पता है कि जिनके क्रियात्मक समूह समान होते हैं, फंक्शनल ग्रुप समान होते हैं, उनके गुण भी क्या होते हैं, समान। अब गुण आपको बताया दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, या तो गुण होते हैं रासायनिक, और या फिर गुण क्या होते हैं भौतिक। अरे भौतिक तो वो गुण जो देख के ही पता पड़ जाए, और रासायनिक गुण वो जो अभिक्रिया के बाद पता पड़े, इस प्रकार के गुण होते हैं रासायनिक। अच्छा रासायनिक गुण किस पे निर्भर करते हैं, हमेशा ये निर्भर करेंगे जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप पर, जुड़े हुए क्रियात्मक समूह पर निर्भर करते हैं। जब क्रियात्मक समूह ही एक समान हो गया तो बताओ रासायनिक गुण क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही होगी, जिनके फंक्शनल ग्रुप समान हो रासायनिक गुण क्या रहेंगे, एक समान रहेंगे। क्लियर रहेगा, अब आगे बढ़ो। तो भौतिक गुण क्या रहेंगे, भिन्न भिन्न। भौतिक गुण क्या रहेंगे, भिन्न रहेंगे। चलो अच्छा भौतिक गुण में तो भार भी आता है, इसका मतलब भार में भी परिवर्तन हो सकता है। उसी भार से आपको याद आएगा कि इसमें एक CH2 इकाई या N CH2 इकाइयों का अंतर होता चलेगा, यानी दो कर्मागत सजातों के बीच में किस इकाई का अंतर है, एक CH2 इकाई या फिर बोल दे रहा 14 परमाणु भार का अंतर होता है, ये अंतर मिलता आपको। यार यानी ऐसे यौगिक जिनके क्रियात्मक समूह समान हो, रासायनिक गुण समान हो, भौतिक गुण भिन्न हो, और दो कर्मागत सजातों के मध्य 14 परमाणु भार का अंतर हो, तथा सामान्य सूत्र क्या रहे, एक समान रहे। सामान्य सूत्र का मीनिंग क्या था, देखो आई थिंक आपको याद हो, एल्केन अगर ले लो तो इन एल्केनों का एक सामान्य सूत्र हुआ करता था, CnH2n+2, ये सामान्य सूत्र तो है। अगर एल्कीन होता तो उसका एक सामान्य सूत्र हुआ करता था, वो था CnH2n, और अगर एल्काइन ले लेते हो तो बिल्कुल इनके लिए भी एक सामान्य सूत्र था CnH2n-2, यानी इन यौगिकों के लिए सामान्य सूत्र एक समान ही रहेगा। यानी दो यौगिक भी है तो दोनों पर यह सूत्र लगेगा, या ये लगेगा या ये लगेगा, जो भी होगा। क्लियर रहेगा, ये एग्जांपल थे। अब अपन इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ये पांच पॉइंट मुख्य जो पॉइंट है वो याद रखने होते हैं, सामान्य सूत्र समान, क्रियात्मक समूह समान, रासायनिक गुण समान, भौतिक गुण भिन्न। अच्छा भौतिक गुण में भिन्नता तो और कौन सी भिन्नता मिलती है, दो कर्मागत सजातों के मध्य एक CH2 की इकाई या फिर 14 परमाणु भार का अंतर होगा। एग्जांपल देख लेते हम लोग। अगर आप देखो एक है मेथेन,
एक है एथेन, एक है प्रोपेन, फिर है ब्यूटेन। देखो जाके चेक करो, इन दोनों के मध्य एक सी एच टू का अंतर है, इन दोनों के मध्य एक सी एच टू का अंतर है, इन दोनों के मध्य एक सी एच टू का अंतर है। अगर इन दोनों के मध्य देखूं तो दो सी एच टू का अंतर है, यही फर्क पड़ रहा। तो ये आपस में क्या है, सबके सब सजात है भाई, ये दोनों भी सजात है, ये दोनों भी सजात है, ये दोनों भी सजात है। ये तो हो गए कर्मागत सजात। अगर मैं बोलता हूं पहला और तीसरा भी सजात है क्या, बिल्कुल है, कर्मागत नहीं है, लेकिन सजातीय श्रेणी के सभी मेंबर क्या रहते हैं, सजात रहते हैं। क्लियर आएगा? अगर वो पूछे एथेन के सजात है मेथेन प्रोपेन दोनों, कोई नहीं, दोनों रहेगा, ध्यान रखना ये चीज। आगे बढ़ जाए, चलो ये थी ओवरऑल सजातीय श्रेणी के बारे में बात है, ये चीज ध्यान रखनी, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट। अब आईयूपीएससी के वो नामांकन ले लेता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे काम का। उससे पहले आपको कुछ चीजें पता है, क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं, हल्का सा एक आइडिया दिया है क्या मैंने? ये देखो COOH, इसे बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये है सल्फोनिक अम्ल, ये होता है एस्टर, सॉरी एनहाइड्राइड, ये है एस्टर, ये है एसिड हेलाइड, ये है अमाइड, ये है साइनाइड, ये है आइसोसाइनाइड, ये है एल्डिहाइड, ये रहा कीटो, ये रहा एल्कोहल या फिर थायो एल्कोहल, और ये रहा अमीन। मैंने यहां पे जितने भी ग्रुप लिखे ये सारे के सारे क्रियात्मक समूह होते हैं, और इन्हीं के कारण यौगिकों में गुण आने लगते हैं। ये चीज अपने कहीं कहीं लिखी हुई है, आप वहां से वापस से क्लियर कर सकते हो। चले अब देखो, किसी भी यौगिक का अगर नामांकन करना हो, कौन सा नामांकन, आईयूपीएसी नामांकन करना हो, तो आपको तीन चीजों के बारे में मेनली पता होना चाहिए। वो तीन चीजें कौन कौन सी है? एक आपको मिलती है पूर्व लग्न, एक आपको मिलता है रूट वर्ड, और एक हमें मिलता है अनुलग्न। बहुत बढ़िया, पूर्व लग्न आगे जाके दो प्रकार का पढ़ना हमें, कौन कौन सा? एक होता है द्वितीयक पूर्व लग्न, एक होता है प्राथमिक पूर्व लग्न। रूट शब्द तो रूट शब्द ही रहेगा, और अनुलग्न भी आगे जाके दो प्रकार के हो जाएंगे, कौन कौन सा? एक है प्राथमिक अनुलग्न और दूसरा है द्वितीयक अनुलग्न। ये चीज अब हर आईयूपीएसी नाम के अंदर आपको इन पांचों को ढूंढना है। ये पांचों जो जो मिल जाएंगे वो लिख देना, जो नहीं मिलेंगे उसको नहीं लिखेंगे। कौन किसके लिए उपयोग होता है उसकी बातें कर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, किस सीक्वेंस में लिखोगे? सीक्वेंस भी यही है, यानी जब भी आप आईयूपीएसी नामकरण करें सबसे पहले क्या लिखना है, द्वितीय पूर्व लग्न आएंगे, ये खत्म हो गए, फिर प्राथमिक पूर्व लग्न लिखने होते, फिर रूट शब्द लिखना होता, फिर प्राथमिक अनुलग्न, फिर द्वितीयक अनुलग्न। हमेशा याद रखना द्वितीयक पूर्व लग्न सबसे पहले और द्वितीयक अनुलग्न सबसे लास्ट में, द्वितीयक द्वितीयक बार है, बाकी सीक्वेंस आपको पता है। चलो वन बाय वन, द्वितीयक पूर्व लग्न जो होते हैं ये उपयोग होते हैं प्रतिस्थापियों के लिए। ये किन के लिए उपयोग होंगे? प्रतिस्थापियों के लिए। अब प्रतिस्थापियों के लिए बोले तो कैसे, जैसे अगर आपके मेथिल लिखा हुआ है तो हमने इसको बोल दिया मेथिल, ये अगर लिखा हुआ C2H5 इसका नाम हो गया एथिल, अगर लिखा हुआ OCH3 इसको बोलते हैं मेथॉक्सी, अगर लिखा हुआ OC2H5 इसको बोलते हैं एथॉक्सी, अगर आ जाए क्लोरीन तो इसको बोलेंगे क्लोरो, उसी टाइप से फ्लोरो, उसी टाइप से ब्रोमो, उसी टाइप से आयोडो, NO2 आ जाए तो इसको बोलते हैं नाइट्रो। क्लियर? तो ये तो मैंने यहां कुछ प्रतिस्थापी लिखे, बहुत सारे क्रियात्मक समूह भी ऐसे हैं जो अगर एक से अधिक आ जाए तो एक तो हो जाता मुख्य क्रियात्मक समूह, बाकी वाले सभी क्या माने जाते हैं, प्रतिस्थापी। तो अगर इनमें से कोई प्रतिस्थापी आते हैं तो इनके नाम बदल जाते हैं, जैसे अगर NH2 मुख्य क्रियात्मक समूह होता तो अमीन शब्द है, लेकिन ये प्रतिस्थापी होता तो अमीनो बोलते, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी OH को, एल्कोहल को, थायो एल्कोहल को बोलते हैं मरकेप्टो, क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी हो तो मरकेप्टो, कीटोन हो तो या तो कीटो या ऑक्सो, एल्डिहाइड हो तो फॉर्मिल,
साइनाइड हो तो साइनो, आइसोसाइनाइड हो तो आइसोसाइनो अमाइड। अब ये वैसे तो कार्बन युक्त जो क्रियात्मक समूह होंगे ये मुख्यतः प्रतिस्थापी के रूप में कम आएंगे, आएंगे ही नहीं, बाकी आ जाए तो इनके भी आप सबको नाम पता है, एक लिस्ट बनी हुई अपने पास, तो क्लियर रहेगा। तो जब भी कोई प्रतिस्थापी आया उसके नाम कैसे है ये पता पड़ गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमें कैसे पता पड़ेगा कि प्रतिस्थापी कौन कौन है। यौगिक दे दिया आपको, आपको प्रतिस्थापी पहचानना भी तो आने चाहिए, तो बिल्कुल पहचानना, देखते देखना प्रतिस्थापी को मैं कैसे पहचानूं, इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये लो मैंने एग्जांपल लिया है, चल एग्जांपल लिया। जैसे ही आपने एग्जांपल लिया पहला काम हमें ये करना होता है, ये कैसे करना ये भी समझाऊंगा आपको, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है। कर दिया आपने मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, अब नंबरिंग नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है। जैसे ही मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन हो जाए वो चीजें ढूंढो जो इस कार्बन श्रृंखला में नहीं है। मान के चलो कार्बन श्रृंखला में कार्बन और हाइड्रोजन ही आते, बाकी तत्व तो आएंगे नहीं। इसके साथ साथ देखो ये कार्बन होते हुए भी इस श्रृंखला का भाग नहीं है, ये देखो NH2 इस कार्बन श्रृंखला का भाग नहीं है, ये देखो OH इस कार्बन श्रृंखला का भाग नहीं है, और ये देखो पीछे जो OOH लिखा हुआ ये भी मुख्य कार्बन श्रृंखला का भाग नहीं है, लेकिन ये अलग तो जुड़े हुए नहीं है, तो कार्बन के साथ ही जुड़े हुए, यानी मैं बोल सकता हूं ये भी समूह में ये जो पीछे वाला पार्ट ये भी कार्बन श्रृंखला का भाग नहीं है। बताओ कितनी चीजें हैं जो कार्बन श्रृंखला का भाग नहीं है, चार चीजें हैं जो कार्बन श्रृंखला का भाग नहीं है, यानी ओवरऑल इस यौगिक में अधिकतम प्रतिस्थापी कितने हो सकते हैं, चार। तो जब भी आपने इन चारों को मार्क कर लिया या तो प्रतिस्थापी रहेंगे चार या एक कम कर लो। अब आप बोलोगे सर एक कम किसको करना, हो सकता है कोई प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह निकल जाए, भाई जो नहीं आता ना कार्बन श्रृंखला में वो सारे के सारे प्रतिस्थापी रहते हैं, लेकिन प्रतिस्थापियों में भी कोई क्या आ सकता है, क्रियात्मक समूह। अब अपन ढूंढते इनमें से क्रियात्मक समूह कौन है, और क्रियात्मक समूह की लिस्ट आपके पास है, ये देखो एक COOH है क्या, बिल्कुल इस लिस्ट में जाके ढूंढो, ये रहा COOH, और देखो इस लिस्ट के अंदर एक OH भी है क्या, बिल्कुल, एक NH2 भी है क्या, बिल्कुल। इसका मतलब ये जो चार चीजें आपने यहां लिखी है ना उसमें से तीन तो क्रियात्मक समूह है, तो प्रतिस्थापी तो सर एक ही हुआ ना। जब भी एक से अधिक क्रियात्मक समूह आ जाए तो मुख्य क्रियात्मक समूह तो एक ही रहेगा, बाकी सब प्रतिस्थापी ही माने जाते हैं। अब आप बोलोगे इन तीनों में से मुख्य क्रियात्मक समूह कैसे चुने, तो इसके लिए एक वरीयता सूची होती है और उसी वरीयता सूची में मैंने आपको वो क्रियात्मक समूह के नाम लिखे हुए थे, क्लियर रहेगा। यानी अगर वरीयता का निर्धारण करोगे तो इन तीनों की वरीयता मैं बता देता हूं, सबसे ज्यादा वरीयता होती है एसिड की, फिर होगी एल्कोहल की, और फिर होगी अमीन की। तो बताओ इन तीनों में वरीयता किसकी ज्यादा, C11OH की, कार्बोक्सिलिक अम्ल की। इसका मतलब ये तो क्या हो गया, मुख्य क्रियात्मक समूह, ये तो है मुख्य क्रियात्मक समूह। तो बताओ ये जो दोनों क्रियात्मक समूह है, अब ये क्रियात्मक समूह रहेंगे क्या, ये हो जाएंगे प्रतिस्थापी। तो बताओ अब इस यौगिक में कुल प्रतिस्थापी कितने हुए, बिल्कुल इस यौगिक में तीन प्रतिस्थापी है और एक क्या बन गया है, मुख्य क्रियात्मक समूह। अब इसका नाम करना बहुत आसान हो जाता, जैसे ही तीनों प्रतिस्थापी आए, और आपको पता प्रतिस्थापी के लिए उपयोग कौन होता है, द्वितीयक पूर्व लग्न, और द्वितीयक पूर्व लग्न सबसे पहले लिखते हो तो इस यौगिक के नाम में इन तीनों का नाम सबसे पहले आएगा। अब ये तीनों आपस में लड़ाई चालू कर दी, पहले हम आएंगे कौन आएंगे, बोले इसका भी बंदोबस्त होता है, पहले वो आता है जो अल्फाबेटिकल क्रम में सबसे पहले आएगा। अल्फाबेटिकल क्रम हिंदी मीडियम का नहीं देखना, इंग्लिश का ही देखना। ये देखो OH जब प्रतिस्थापी होता है तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी, क्या नाम होता है, हाइड्रोक्सी। CH3 का नाम क्या है, मिथाइल यानी मेथिल, और NH2 का नाम क्या है, अमीनो। जब ये प्रतिस्थापी में इसका नाम क्या है, अमीनो। मुझे बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक H मिला, एक M मिला, एक A मिला, पहले कौन आता है, A आता है, यानी सबसे पहले नाम किसका आएगा, अमीनो का नाम आएगा, फिर किसका नाम आएगा, हाइड्रोक्सी का नाम आएगा, फिर किसका नाम आएगा, मिथाइल का नाम आएगा।
क्लियर। अब आप बोलोगे इनका नंबर, इससे कभी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो जैसे आपको नंबरिंग करके दे देता हूं, नंबरिंग कैसे करनी वो भी समझाऊंगा, डोंट वरी। रिवीजन में हर एक चीज अपन लेंगे। तो अभी देखो नंबरिंग में मुझे बताओ NH2 को क्या मिला, चार नंबर, तो आपने बोल दिया चार अमीनो। अच्छा हाइड्रोक्सी को कितना मिला, तीन नंबर, तो तीन हाइड्रोक्सी। और मिथाइल को क्या मिला, पांच नंबर। हमेशा ध्यान रखना, ऐसे नहीं करना सर एक को चार, एक को तीन, एक को पांच, तीन वाले को पहले लिख दू। संख्या पहले कौन आ रही है उस पर निर्भर नहीं करेगा, अल्फाबेट पहले कौन आ रहा है उस पर निर्भर करेगा। तो मैंने यहां तीन वाले का नाम पहले नहीं लिखा, मैंने ए आ रहा पहले, तो ए भले ही चार पे था मैंने पहले ये नाम लिखे। ये क्या था, द्वितीयक पूर्वलग। द्वितीयक पूर्वलग में कौन उपयोग होते हैं, केवल प्रतिस्थापी, जितने प्रतिस्थापी है सबका नाम आएगा। अच्छा उनकी संख्या के साथ आएगा क्या, बिल्कुल उनकी संख्या के साथ आएगा। संख्या का निर्धारण कैसे होगा, नंबरिंग के द्वारा। नंबरिंग कैसे करते हैं समझाऊंगा मैं, डोंट वरी। क्लियर, कैसे कैसे नाम उपयोग करना है, किस क्रम में लिखोगे, सब पता पड़ चुका, खत्म कर दिया। आगे आते हैं दूसरी चीज पे। इसके बाद जस्ट लेते हैं नेक्स्ट। देखो अगला कौन है, जैसे ही आप पढ़ लेते हो द्वितीयक पूर्व लग्न, आगे कौन आया है, प्राथमिक पूर्व लग्न। अब मैं यही भी बता देता हूं कि प्राथमिक पूर्व लग्न का काम क्या है। प्राथमिक पूर्व लग्न उपयोग किया जाता है केवल और केवल चक्रीय यौगिकों के लिए। किनके लिए उपयोग करेंगे, चक्रीय यौगिकों के लिए। अब चक्रीय यौगिक दो प्रकार के मिलेंगे, या तो उनमें एक वलय मिल जाए या उनमें दो वलय मिल जाए। आप बोलोगे सर तीन वलय भी तो मिल सकती, चार भी तो मिल सकती, पांच भी मिल सकती, मिल सकती है। अपने लेवल में, अपने कोर्स में क्या है, एक वलय वाले या दो वलय वाले। एक वलय जब भी आएगी तो प्राथमिक अनुलग्न क्या होगा, साइक्लो। हमेशा एक ही शब्द है, साइक्लो। जब दो वलय आती है तो डिपेंड करता है यौगिक कौन सा है। अगर यौगिक ऐसा लिया है कि वलय के अंदर दो कॉमन कार्बन, बोले तो दो ब्रिज हेड कार्बन है। देखो दो वलय है और दोनों के बीच में दो ब्रिज हेड कार्बन है। ये देखो दो ब्रिज हेड कार्बन वाले यौगिक आए तो इनके लिए शब्द उपयोग होता है बाईसाइक्लो। और यदि यौगिक में एक ही ब्रिज हेड कार्बन है, ये देखो इस वलय और इस वलय में केवल ये कार्बन है जो कॉमन है, इस प्रकार के यौगिकों के लिए शब्द उपयोग होता है स्पाइरो। इसका मतलब ये हुआ कि अपने लेवल में, अपने कोर्स में प्राथमिक पूर्व लग्न जब भी आएगा तो तीन शब्द आ सकते हैं, इसके अलावा चौथा शब्द नहीं इस दुनिया में। कौन कौन है, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। साइक्लो किन के लिए, एक वले वालों के लिए। बाईसाइक्लो किन के लिए, दो वले और दो ब्रिज हेड कार्बनों। स्पाइरो किन के लिए, दो वले और एक ब्रिज हेड वालों के लिए। काम खत्म। अगला देखो, इसके अगला कौन है, रूट शब्द। अब हम लेते हैं रूट शब्द की बात करते हैं। चलो रूट शब्द तो सबसे ईजी है क्योंकि हमें तो ये डायट बताता है कि मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन कितने हैं। क्या बता रहा है, ये आपको बताता है मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या। हमेशा ध्यान रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कुल कार्बन बता रहा, ना कि यौगिक में कुल कार्बन कितने हैं। बात सुने, मैंने ये एग्जाम्पल लिया, आप अगर कार्बन श्रृंखला का चेन करोगे तो आप या तो ये चेन कर लोगे या नीचे चले जाओगे, दोनों ही स्थितियों में आपको मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन कितने मिल रहे, चार। तो रूट शब्द चार कार्बन के लिए उपयोग होगा, जबकि पूरे यौगिक देखो कार्बन कितने, पांच है। तो जब हम लोग सामान्य नाम पढ़ा करते थे, शायद आपको याद हो, सामान्य नाम को मुख्य कार्बन श्रृंखला से कोई मतलब ही नहीं था। वो बोलता कार्बन कितने, पांच। तो जैसे ही उसने पांच कार्बन देखा, ये नाम में पेंटेन शब्द का उपयोग कर लेता था। किसका उपयोग कर रहा है, पेंटेन। और फिर आपको पता दूसरा या अंतिम दूसरे कार्बन पर मेथिल है, तब आप एक शब्द का उपयोग कर लेते हो आगे, आइसो। इसलिए इसका नाम क्या है, आइसो पेंटेन। बढ़िया, तो सामान्य नाम। IUPAC क्या बोलता है कि हम यहाँ पे पहले कार्बन श्रृंखला का चयन करो, फिर देखो कितने कार्बन है, चार कार्बन है, तो यहाँ पेंट शब्द का उपयोग नहीं होगा। यहाँ उपयोग कैसे होगा, तो आपके पास एक लिस्ट है, एक कार्बन को क्या बोलते हो, मैथ,
दो कार्बन को क्या बोलते हैं एथ, तीन कार्बन को क्या बोलते हैं प्रोप, चार कार्बन को क्या बोलते हो ब्यूट। तो समझ गए होगे इस यौगिक के नाम में ब्यूट आएगा, ना कि पांच कार्बन को क्या बोलते हैं पेंट, पेंट नहीं आएगा। फिर छह कार्बन को क्या बोलते हैं हेक्स, सबको पता। सात कार्बन, इसे बोलते हैं हेप्ट। अब ये ध्यान रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि सेप्ट और हेप्ट में कंफ्यूजन हो सकता है। यार फिर आठ को ऑक्ट बोलते हैं, नौ को नॉन बोलते हैं, दस को डेक बोलते हैं, ग्यारह को अंडेक बोलते हैं, बारह को डोडेक बोलते हैं। इस टाइप से काम चलेगा, क्लियर? चल अपना काम दस्तक हो जाता, डोंट वरी, इतना तकलीफ में नहीं आता, हो जाएगा। यानी इसका मतलब रूट शब्द का क्या उपयोग है बहुत आसान हो गया, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कुल कार्बन कितने मिल रहे वो बताता, ना कि यौगिक में कुल कार्बन कितने। क्योंकि अगर वो यौगिक के कुल कार्बन बता देगा तो इस मेथिल की बात तो बेचारा कौन कर रहा है, प्रतिस्थापी में वैसे ही हो गई। फिर इस कार्बन को भी अगर आप रूट शब्द में जोड़ोगे तो इस कार्बन को तो दो दो जगह भी उपयोग कर लिया, ऐसा नहीं होगा। आईयूपीएसी बहुत सिस्टमेटिक है, ये कार्बन हमने गिना नहीं तो इसका नाम प्रतिस्थापी में डाल दिया, उपयोग हो गया ना, फिर बचे हुए कार्बन हमने गिन लिया, हो जाएगा। आगे बढ़े, बिल्कुल इसके बाद कौन आएगा, उसके बाद में आता प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न। अब देखो प्राथमिक अनुलग्न मेनली बताता है जो आपने अभी कार्बन श्रृंखला का चयन किया था ना, इस चयन की गई कार्बन श्रृंखला में ये जो कार्बन कार्बन के बीच के बंध है ना, ये कौन से बंध है, इसका निर्धारण कौन करता है, प्राथमिक अनुलग्न। क्या बताता है ये बताता, अगर कार्बन कार्बन एकल बंध है तो उपयोग करना है एन, अगर कार्बन कार्बन डबल बंध है तो उपयोग करना है ईन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बंध है तो उपयोग करना है आयन। आप बोलोगे सर दो डबल बंध आ गया तो क्या करना, डाई ईन कर देना, तीन आ गए तो ट्राई ईन कर देना, चार आ गए तो टेट्रा ईन कर देना, क्या ही फर्क पड़ रहा है। उसी टाइप से अगर ट्रिपल बॉन्ड है, एक है तो आयन, दो है तो डाई आयन हो जाएगा, तीन है तो ट्राई आयन हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर जब एकल बंध है तो एन उपयोग किया, यहां पे तीन एकल बंध है तो ट्राई एन उपयोग करना है क्या, नहीं। एकल बंध चाहे एक आए, चाहे दस आए, चाहे पांच सौ आए, एन ही शब्द उपयोग होता है। दूसरी स्थिति देखो, एक यौगिक है जिसमें एक डबल बंध है लेकिन बाकी सारे बंध एकल बंध है, तो एकल बंध से ज्यादा वरीयता कौन लेता है, डबल बंध, इसलिए वहां एन का उपयोग ही नहीं करते हो। ये यौगिक दिया है तो एन है, यहां पे सोचो अगर मैं डबल बंध लगा दूं तो एक डबल बंध, भाई इन दोनों के बीच में जो डबल बंध है यहां तो अभी भी एकल बंध है, यहां अभी भी एकल बंध है, तो इस यौगिक में एन का नाम आएगा क्या, अगर एल्कीन है उसका नाम आएगा, एल्काइन है उसका नाम आएगा, एल्कीन एल्काइन दोनों है दोनों का नाम आएगा। अच्छा एल्केन है, सिर्फ एल्केन है तो एन आता है, बाकी नहीं आएगा, क्लियर रहेगा। तो एन शब्द का उपयोग तब करना जब सभी कार्बन कार्बन एकल बंध हो, एक भी डबल बंध हो गया एन खत्म, एक भी ट्रिपल बंध हो गया एन खत्म, हो जाएगा। आगे बढ़ो और सबसे लास्ट बचा, देखो सबसे लास्ट कौन बचा, द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न किन के लिए उपयोग किया जाता है, यह उपयोग किया जाता है मुख्य क्रियात्मक समूह। अब देखो मैंने मुख्य पे इतना फोकस क्यों किया, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना होता है कि क्रियात्मक समूह अगर एक ही आ जाए तो वो ही मुखिया है, एक से ज्यादा आ जाए तो आपको चुनना पड़ेगा एक लीडर को, बता रखा मैंने बिल्कुल। अभी जो यौगिक का एग्जाम्पल लिया था मैंने, जिसमें मैंने एल्कोहल अमीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल तीनों को क्रियात्मक समूह के रूप में लिखा हुआ था, तो क्या वहां पे क्रियात्मक समूह तीन थे क्या, तो इसका मतलब तीनों का नाम यहां थोड़ी आएगा, नहीं, यहां केवल नाम आएगा मुख्य क्रियात्मक समूह का। यानी अगर एक ही क्रियात्मक समूह हो तो वो ही मुखिया है, और एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो तो उनमें से एक मुखिया चुनना होता है, जिसको आप बोलोगे मुख्य क्रियात्मक समूह, और बाकी सभी क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी माने जाएंगे फिर। अच्छा मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन कैसे करें, हमने बोला था इसके लिए एक वरीयता श्रेणी होती है, और वो वरीयता श्रेणी क्या है वापस से सुन लो, जितनी बार देखेंगे उतनी बार याद होगा। सबसे ज्यादा वरीयता किसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर
फिर किसको सल्फोनिक अम्ल, फिर किसको एनहाइड्राइड को। ये चीजें अपने ज्यादातर केस में आती नहीं है, इन दोनों का उपयोग हम करते नहीं है, बात अलग हो अपने कोर्स में इतना नहीं डिटेल में। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर कौन एस्टर, फिर कौन एसिड हेलाइड, फिर कौन एसिड अमाइड या सिंपल अमाइड बोल दो, फिर कौन साइनाइड, फिर कौन आइसोसाइनाइड, लेकिन अभी आइसोसाइनाइड को छोड़ो, साइनाइड आ गया, फिर कौन एल्डिहाइड, फिर कौन कीटोन, फिर कौन एल्कोहल, फिर कौन आता है थायो एल्कोहल आता है, और फिर कौन अमीन। ये है वरीयता की श्रेणी, और आपको ये याद रखनी पड़ती है, ये याद रहेगी तभी आपको पता पड़ेगा मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है। यही याद नहीं रहा तो क्रियात्मक समूह नहीं पता पड़ा हुए, मुख्य के बारे में नहीं पता पड़ेगा। तो अभी समझो, ये मैंने एग्जांपल दिया, ये था ये था ये था, किसका चयन कर लिया, ये तो आ गया आपके मुख्य क्रियात्मक समूह में, और ये दोनों क्या हो गए प्रतिस्थापी हो गए। क्लियर आएगा, चलो कुछ एग्जाम्पल देते। देख लो, मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूं जिसमें सभी कुछ आ जाए। ये देखो, मैंने यहां डबल बंद लिया, यहां पे मैं एक OH ले लेता हूं, यहां पे मैंने एक डबल बंद ले लिया, यहां पे मैंने एक CH3 ले लिया, और डबल बंद हो गया, इस डबल बंद को हटा के चलो डबल बंद यहां पे मैंने लगा दिया NO2। ये लो भैया, इस योगी का आपको IUPAC नामकरण करना है। आपको पता पांचों चीजें देखनी है आपको, मैंने कोशिश की कि पांचों चीजें आ जाए इसी योगी के अंदर आ जाएगी। सबसे पहले होता है मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना, अभी मैं सिखाऊंगा, अभी मैं वो पांचों की सीक्वेंस बताना चाह रहा हूं, फिर मैं उसी चीज पे आ रहा हूं कि मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन कैसे करना है, नंबरिंग कैसे करना है, सब बताऊंगा। तो अभी मैं बोल देता हूं कि यहाँ पे मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन क्या है, ये जो वलय है यही आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कौन कौन इस श्रृंखला में नहीं आया उस पे आता हूं। इस श्रृंखला में क्या ये यौगिक नहीं आए क्या सारे के सारे? ये यौगिक श्रृंखला का भाग नहीं है, ये यौगिक श्रृंखला का भाग नहीं है, ये यौगिक श्रृंखला का भाग नहीं है, ये तत्व अणु जो आप बने ये चारों समूह नहीं है। बिल्कुल, इसका मतलब इसमें अधिकतम प्रतिस्थापी कितने हो सकते हैं? चार। फिर आपको क्या देखना होता है कि क्या कोई क्रियात्मक समूह तो नहीं है, जाके ढूंढते हैं। NO2 क्रियात्मक समूह है क्या? मेथिल क्रियात्मक समूह है क्या? नहीं। एल्कोहल क्रियात्मक समूह है क्या? कीटोन क्रियात्मक समूह है क्या? बिल्कुल। तो फिर आप किस पे आते हो? वरीयता सूची पर। एक तो था एल्कोहल और एक था कीटोन, बताओ मुखिया कौन बनेगा? कीटोन, क्योंकि कीटोन की वरीयता ज्यादा है। तो अगर मुखिया ये बन गया तो अपने को ये भी समझ में आ गया, जो मुखिया होता है उसको नंबर कम देने की कोशिश करते हैं। तो आपने नंबरिंग दे दिया इसको एक, उसके बाद में मैं नंबरिंग में बताऊंगा वापस, डोंट वरी। फिर आपके पास में आता है सबसे कम नंबर देना है क्रियात्मक समूह को, फिर कम नंबर दो बहुबन को, फिर कम नंबर देते हैं प्रतिस्थापियों को। अब देखो, इधर एक क्रियात्मक समूह और इधर बहुबन रहा, तो अब आप इस क्रियात्मक समूह को कम दो या इस बहुबन को कम दो? तो पहले ये सोचा करो, ये क्रियात्मक समूह रहा कहां है? ये तो बेचारा प्रतिस्थापी बन चुका, इसका मतलब अब नंबरिंग किधर चली जाएगी? बहुबन की तरफ। ये रहा दो, ये रहा तीन, ये रहा चार, ये रहा पांच और ये रहा छह, मिल गए आपको। अब काम आसान हो गया, इसका मतलब एक ये तो रहा मुख्य क्रियात्मक समूह, बताओ प्रतिस्थापी कितने हैं इसमें? एक दो तीन, पहले नाम किन का आएगा? इन तीनों का। अब देखो मैं नाम लिख रहा हूं, ये है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का आता है एच, ये है नाइट्रो, नाइट्रो का आता है एन, ये है मेथिल, मेथिल का आता है एम, पहले कौन आएगा? हाइड्रोक्सी का एच कितने नंबर पे लगा हुआ? छह नंबर पे, नाम आएगा छह, फिर आएगा देखो हाइड्रोक्सी, फिर उसके बाद कौन आएगा? एम, एम कितने नंबर पे? चार नंबर पे, फिर चार नंबर पे क्या आ गया? मिथाइल, फिर उसके बाद कौन है? नाइट्रो, कितने नंबर पे? पांच नंबर पे, पांच नंबर पे क्या आ गया? नाइट्रो। क्या सारे प्रतिस्थापी निपड़ गए? क्या यौगिक चक्री है क्या? तो क्या प्राथमिक अनुलग्न आएगा? क्या आएगा? तो क्या आएगा? साइक्लो, क्योंकि एक ही वाला है क्या? बिल्कुल, तो देखो साइक्लो लिख दिया, उसके बाद कौन आता है? रूट शब्द,
रूट शब्द क्या बताता है? मुख्य कार्बन श्रृंखला में कुल कार्बन, यानी जो नंबरिंग की उसमें देख लो अधिकतम नंबर कहां गया, 6 तक, यानी 6 पे क्या शब्द उपयोग करते हो? X. अब आओ इन 6 के अंदर, यहां एकल बंद, एकल बंद, एकल बंद, एकल बंद, डबल बंद, एक डबल बंद आ गया, पांचों एकल बंद की कोई औकात नहीं, डबल बंद इंपॉर्टेंट हो गया। और डबल बंद के लिए शब्द क्या होता है? तीन। कितने नंबर पे आएगा डबल बंद? तो आप बोलोगे सर डबल बंद 2 नंबर पे भी है, डबल बंद 3 नंबर पे भी है, तो डबल बंद कम वाले का माना जाता, 2 और 3 का, तो डबल बंद किसका हुआ? 2 का। तो आप क्या लिखोगे? हेक्स 2 इन, लिख दिया हेक्स 2 इन, बिल्कुल लिख दिया। क्या रूट शब्द हो गया? क्या रूट शब्द के बाद प्राथमिक अनुलग्न में निपट गया? उसके बाद कौन आता है? द्वितीयक अनुलग्न। और द्वितीयक अनुलग्न किसका होता है? मुख्य क्रियात्मक समूह का। और मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? कीटोन। जब ये मुख्य क्रियात्मक समूह होता है तो शब्द होता ऑन, और जब ये प्रतिस्थापी होता है तो यूज होता कीटो या ऑक्सो। तो अभी तो ये मुख्य है तो शब्द क्या होगा? ऑन। तो इसके पीछे आ जाएगा हेक्स 2 इन ऑन, तो ये हो गया ऑन इन ऑन। इस यौगिक का नाम है 6-hydroxy-4-methyl-5-nitro-cyclohex-2-enol। अब कितनी बार क्या करता, ऑप्शन बनाने वाला इसको ऐसे भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, साइक्लो फिर 2 बार ले लेता है और सीधा लिख देता है हेक्सीनोन, कोई तकलीफ नहीं। आपको बोले दोनों में से ज्यादा सही कौन था? ये ज्यादा सही है, एग्जामिनर की इच्छा ये नहीं होती तो ये दे देता, तो आप इसको भी सही मान। तो देखो मैंने पांचों का उपयोग कर लिया, ये कौन था? द्वितीयक पूर्व लग्न, ये क्या था? प्राथमिक पूर्व लग्न, ये क्या था? रूट शब्द, ये इन क्या था? प्राथमिक अनुलग्न, और ऑन क्या था? द्वितीयक अनुलग्न। पांचों आ गए, मैंने ऐसा एग्जांपल ले लिया। यानी कुल मिला के ये चीजें बहुत आसान हो सकती सर, 2-3 चीजों का हमें ध्यान रखना है और हमें याद करवा दो। क्या है? एक तो वरीयता श्रेणी याद हो जाए, वरीयता श्रेणी में अक्सर बोलता हूं, जब भी मैं आता हूं ये टॉपिक चलेगा, हर बार लिखता हूं, मैं लिखने का तरीका भी वही रखता हूं। आप हमेशा ध्यान रखना, अपन जब भी क्रियात्मक समूह का लिखेंगे ना तो आप सीक्वेंस में ही लिखा करो। ये देखो मैंने सीक्वेंस में ही लिखा, यही वरीयता सूची है, जितनी बार लिखेंगे सीक्वेंस में लिखोगे याद हो जाएगी, लिख लिख के ही याद हो जाता। तो एक तो ये वरीयता सूची याद रखनी जरूरी है, जिससे आपको ये तो पता पड़े कि मैं द्वितीयक अनुलग्न किसके लिए उपयोग करूंगा। और दूसरी एक लिस्ट और होती है जो आपको याद रखनी होती है, जो मैंने आपको बिल्कुल बना के भी दी हुई है, क्रियात्मक समूह उनके लिए द्वितीयक पूर्व लग्न और उनके लिए द्वितीयक अनुलग्न, वो याद होगा तभी काम चलेगा। अच्छा उसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो तो याद ही रखी लिया करो। आपने देखा होगा COOH अपने यहां कभी प्रतिस्थापी में नहीं आया, तो क्यों कार्बोक्सी याद करूं मैं? जरूरत का नहीं, जरूरत है। तो देखो जो जो इंपॉर्टेंट है वो वापस से बोल रहा हूं, कार्बोक्सिलिक अम्ल है अगर प्रतिस्थापी तो कार्बोक्सी जो आएगा नहीं, और अगर मुख्य है तो ओइक अम्ल, क्लियर? एस्टर वैसे प्रतिस्थापी में कम उपयोग होता है, आ जाए तो क्या बोलेंगे? एल्कोक्सी कार्बोनिल, क्या शब्द आता? एल्कोक्सी कार्बोनिल, और अगर मुख्य है तो क्या आएगा? एल्किल ओएट, एल्किल फिर बीच में जगह आती नाम की और फिर लास्ट माता ओएट हो जाएगा। अब मैं ले लेता हूं उसके बाद में जैसे एसिड हैलाइड, अब इनकी प्रतिस्थापी छोड़ते हैं, कार्बन युक्त के अपने प्रतिस्थापी अपने लेवल पे नहीं पूछा करता हूं, ये नीट जेई तक ठीक है, अपने यहां पे नहीं पूछेगा। सो मैंने ले लिया एसिड हैलाइड, तो इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न क्या है? ऑयल हैलाइड, क्या? ऑयल हैलाइड। अगर है अमाइड तो शब्द क्या होगा? अमाइड। आगे ले लेता हूं साइनाइड है तो शब्द क्या होगा? नाइट्राइल। मुख्य क्रियात्मक समूह होता अगर साइनाइड तो नाम क्या आता है? नाइट्राइल, और अगर प्रतिस्थापी हो तो साइनो। आसान हुआ। अच्छा आइसोसाइनाइड है, मुख्य क्रियात्मक समूह हुआ तो आइसोनाइट्राइल, और प्रतिस्थापी हुआ तो आइसोसाइनाइड। आगे चलो एल्डिहाइड, अगर प्रतिस्थापी है तो फॉर्मिल, मुख्य है तो एल ए एल कीटोन, प्रतिस्थापी है तो ऑक्सो या कीटो, और मुख्य है तो ऑन।
आगे चलो, आगे आगे एल्कोहल, एल्कोहल अगर प्रतिस्थापी है तो हाइड्रोक्सी, मुखिया है तो ऑल, अच्छा एसएच थायो एल्कोहल प्रतिस्थापी हो तो एसएच, अगर मरकेप्टो कम याद देता है क्योंकि कम आता आपने, काम नहीं आता इसलिए आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं एल्कोहल तो याद है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता तो एसएच आ रहा है, प्रतिस्थापी हो तो मरकेप्टो, मुखिया हो तो थायोल, वो ओल था ये थायोल हो जाएगा, अच्छा एनएच टू प्रतिस्थापी हो तो अमीनो और मुखिया हो तो अमीन, काम खत्म, ये लिस्ट वापस हमने एक बार और बोल ली, क्लियर। तो एक चीज तो ये पता पड़ी, ये चीज बहुत जरूरी है, जिसे आप ये पता लगा पाएंगे कि मुखिया कौन है और प्रतिस्थापी कौन है, ये तो सब हो गए। अब सर दो चीज का दिक्कत है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चेन कैसे करूं और नंबरिंग कैसे करूं, उस पर आ जाए, चल उसको ही हम लोग डील करते हैं क्योंकि काम की चीज वो है। अभी तक ये जो मैंने पांचों लिखे एक एक चीज बताइए, एग्जाम में ये करने की आवश्यकता ही नहीं। आप बोलो सर अब क्यों बता रहे हो पढ़ाने के बाद इतना देर के बाद, क्योंकि पहले बता देता तो 15-20 मिनट तुम लोग उबासी ही लेते, काम ही नहीं आना तो क्यों सुने, मजे करते आप। तो अब ये बताने का रीजन ये था, ये तो पता होना चाहिए कि रूट शब्द प्राथमिक अनुलग्न द्वितीय अनुलग्न कब क्या कैसे उपयोग होता है, सिक्वेंस क्या है, एग्जाम में क्या होता है, काटा पीटी से आंसर निकलते हैं। बात करता हूं देखो, मैं वो ही एग्जाम्पल वापस ले रहा हूं जो मैंने बनाया है और मैं अभी बताता हूं, देखो कैसे काटा पीटी से काम चल सकता है आपका। चलो एक यौगिक में ये ले लिया, अगर आपको मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना आ जाए और अगर आपको नंबरिंग करनी आ जाए तो फिर आपको अनुलग्न पूर्व लग्न सबको गोली मार, आंसर हो गया आपका। और ये दो काम करना सबसे आसान होता है, अभी समझाऊंगा मैं जस्ट इसके बाद ही। अब देखना कैसे ऑप्शन काटना है, जैसे ही आपने नंबरिंग करी अब आप जाके देखो, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 इधर से नंबरिंग करके देख लेता हूं, एक दूसरा पेन यूज कर लेता हूं जैसे एकदम अलग दिखे, ये रहा एक, ये रहा दो, ये रहा तीन, ये रहा चार, ये पांच, ऐसे ही तो कर सकता था। जो आपको बताया कि ब्लू वाली नंबरिंग तो गलत है भाई, ब्लू वाली नंबरिंग तो गलत है क्योंकि नंबरिंग करना भी मैं सिखा रहा हूं, ये जो येलो वाली नंबरिंग है यही सही है। अब सोचो येलो में भी तीन नंबर NO2 को मिल रहा है और ब्लू में भी तीन नंबर किसको मिल रहा है, नाइट्रो को, मतलब ऑप्शन में नाइट्रो चेक मत करो क्योंकि दोनों ही जगह सेम मिलेगा। आप सबसे पहले एक पकड़ो, कौन आया, मेथिल, पक्का है चार ऑप्शन में दो ऑप्शन ऐसे होंगे जहां मेथिल दो नंबर पे लगा होगा, दो ऑप्शन कट गए 50% तो गलती होने के चांस वैसे ही नहीं पड़ गए, दो ऑप्शन काट दिया आपने, दो ऑप्शन ही तो बचे पीछे, पता पड़ा कि दो ऑप्शन में चार पे आ रहा है, दो ऑप्शन पे दो पे आ रहा, दो वाले दोनों काट दिए, चार वाले दोनों रख लिए। फिर आगे आओ, अब आ जाओ OH पे, अब हो सकता है OH में वो जो दो बच गए उसमें से एक पे दो लिखा है, एक पे चार लिखा है, फिर चार वाला काट दिया, कौन सा ठीक हो गया जिसमें OH दो पे लिखा, मुझे बताओ आपको इसमें पूर्व लग्न अनुलग्न साइक्लो बाई साइक्लो एन ईन कुछ पूछा गया, नहीं, काम हो गया। तो सब जब प्रतिस्थापियों के नाम से ही काम हो रहा है तो अपन टेंशन क्यों ले, IUPAC पढ़ने में समय लगता है, 30-40-50 पेज मैंने लिखाए हैं आपके लिए, बड़ा हेडेक हो जाता 50 पेज पढ़ना सर एक क्वेश्चन के लिए, बेवकूफ है क्या, अरे रिवीजन आधे घंटे का भी काम नहीं है, आज की जो क्लास थी ना वही एग्जैक्ट रिवीजन था IUPAC का, पांचों की सीक्वेंस बता दी फिर क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, आपको क्या वहां जाके टीचर बनना है क्या, पढ़ाना थोड़ी है आपको, तो नंबर लाके कॉलेज में जाना है और नंबर लाके कॉलेज में जाना तो जुगाड़ सीखो और यही जुगाड़ है IUPAC का, तो उस्ताद बनने की आवश्यकता ही नहीं है। आप बोलोगे सर इससे और आसान क्या होगा, ये तो आपने इजी वाला ले लिया, टफ एग्जांपल लो, अरे टफ एग्जांपल के नाम पे वो डबल बन डालता है, वो टफ नहीं वो इजी करता उसको, अब आपको डबल बन से भी तो काटापिटी करने का मौका दे दिया, तो आपको लगते हैं ऐसे वाले इजी, आप बोलते हो सर ये कितना आसान दिया आपने, मजा आ गया, और सर आपने इतना टेढ़ा मेढ़ा दिया ये कैसे सॉल्व होगा, आसान कौन सा बता, ये क्यों, काटने पीटने के लिए बहुत सारे हैं। अब आपको बता डबल बन कितने नंबर पे आना चाहिए, दो नंबर पे, तो जहां तीन पे तीन लिखा हुआ काटो उसको, तो ऑप्शन कटने के ज्यादा चांस वहां होते हैं जहां कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो, और जहां कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होते हैं बाकी जनता हाथ खड़ा कर देगी, क्या बोल रहा हूं मैं,
भाई आप अकेले ही थोड़ी हो ये एग्जाम देने के लिए, पूरा राजस्थान पूरा इंडिया बैठा है। और ऑर्गेनिक अगर आपको टफ लग रही है तो बाकी जनता क्या जन्म गुट्टी के साथ ऑर्गेनिक पी के आई है क्या? टफ तो उनके लिए भी है। अब उनको अगर कोई मतलब टीचर जुगाड़ बता रहा तो बहुत बढ़िया, नहीं बता रहा वो सिर्फ नामांकन ही पढ़ा रहा है भाई। टीचर का काम है नामांकन पढ़ाए तरीके से, जो अपन ने भी किया है, लेकिन जब बात एग्जाम की आती है तो जुगाड़ जरूरी है। और ये जुगाड़ क्या है, बड़ा डायग्राम देखो, आधे स्टूडेंट बड़ा डायग्राम देखते बोलेगा ये यूपीएससी, मेरे से तो नहीं होगा, मेरे से तो टेस्ट में भी पूरे नंबर नहीं आते थे, एग्जाम में कहां से होते, छोड़ो इसको, वो छोड़ के आगे बढ़ जाता है। आप बड़ा डायग्राम देखो, सबसे पहले उसको सॉल्व करना, बोला रहे काटा पीटी के काम बहुत आसान हो जाएंगे, बस दो चीज की आवश्यकता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चेन और नंबरिंग, क्योंकि चेन और नंबरिंग के बाद ही तो काटा पीटी होती है, एवं ही थोड़ी हो जाएगी कि यार पकड़ लो काटा पीटी करना चालू करो, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट अब हम चालू करते हैं। क्लियर? समय है अपने पास, समय आज कंप्लीट हो गया, कोई बात नहीं। तो कल आज की क्लास वैसे भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आपको पांचों सीक्वेंस बताई मैंने, और कल की इंपॉर्टेंट और ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे। मुझे आपको आईयूपीएससी में उस्ताद नहीं बनाना, मुझे आपको आईयूपीएससी में इतना उस्ताद बनाना है कि एग्जाम में गलती नहीं हो। ये 50 पेज 5 पेज में या 5 लाइनों में याद करना आ जाए, वो तरीका कल है। अच्छा आप समझ गए होंगे रिवीजन क्या होता है, ये पन्ने पलटने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। क्या क्या याद रखना हुआ वापस सुनो, क्रियात्मक समूहों की लिस्ट, उनकी वरीयता सूची, उनके लिए द्वितीयक अनुलग्न क्या होंगे और द्वितीयक पूर्व लग्न क्या होंगे, सिर्फ वो एक टेबल याद कर लेना और उस टेबल को सीक्वेंस में ही बना देना, वरीयता में ही बनाओ, तो वरीयता साथ में फ्री में याद हो गई। तो एक तो वो टेबल याद रख लेना 10 लाइन की, और दूसरा क्या याद रखना है, श्रृंखला का चयन और नंबरिंग, इसके मैं कल 8-8 9-9 जो भी नियम है विद एग्जाम्पल करवा देता हूं, हो गया खत्म। फिर उसके बाद ये नोट्स जो है इनको सिर्फ और सिर्फ नोट्स की तरह रखें, जब भी काम करना ये काम करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, और क्वेश्चन सॉल्व करके कभी भी ऐसा नहीं आता यौगिक दिया इसका आईयूपीएससी नामकरण लिखो, अरे आपको कौन सा थ्योरी का पेपर थोड़ी उतरा, आप तो बोलो 4 ऑप्शन दो हमें, बोले नहीं 4 ऑप्शन नहीं है, बोले कोई बात नहीं हमारे ऐसा पेपर होता ही नहीं, सब्जेक्टिव तो है नहीं अपने, तो 4 ऑप्शन मिले तो टिक कर देंगे, अपना तो एग्जाम ऐसे ही। कोई टीचर आगे बोले इसका नाम बताओ बेटा, बोले ना सर 4 ऑप्शन बताओ एक बार, बोले नहीं है मेरे पास, बोले आंसर भी नहीं हमारे पास, क्योंकि अपने पास आंसर का जुगाड़ है और आप जुगाड़ से ही करेंगे। तो कल मिलते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे ना, तो आते ही आप लोग क्या बताओगे मुझे, नंबरिंग और चयन करना, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना, मैं भूल जाऊंगा ना, जो मेरे सारे बेचेस में अलग अलग चल रहा है, मुझे थोड़ी याद है आपको किसने ले लिया। चलो।